स्टे सेफ बट स्टे एक्टिव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं प्रियंका, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, एजुकेशन फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी एंगर और फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम को कैसे हम लॉकडाउन के समय में कोप अप करें, उसके रिगार्डिंग मेरा लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे स्क्रीन पे शो रहा होगा कि अकेलापन, नींद ना आना या ट्रॉमेटिक इवेंट्स को बार बार हमें सपने में आना, उन सभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर वीडियो पे आप न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय चल रहा है कि हमें नींद कम आने लगी है तथा बार बार इस वायरस को लेकर हम सोते समय, जागते समय, हर समय इस वायरस के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसका चिंतन करने लगते हैं, जिसके कारण हमें नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। रेगुलर हमें नींद नहीं आती और इतनी प्रोलॉन्ग हमें नींद नहीं आती जिसके कारण इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही साथ हम अकेलापन महसूस करने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन में अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में रखकर भी लोनलीनेस की फीलिंग को महसूस करने लगे हैं। इस वायरस के कारण हमें कई सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स को भी हम फेस कर रहे हैं और ये ट्रॉमेटिक स्ट्रेस बनने लगा है। हमारे अपने इस वायरस से लड़ रहे हैं तो हमें उनसे रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं या ट्रॉमेटिक हैपनिंग्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वो ट्रॉमेटिक हमें ट्रॉमा में ले जाते हैं और हम उनके बारे में बार बार सोचते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो प्रोलॉन्ग तरीके से लंबे समय तक अगर ऐसा ही चलता है, हमें नींद नहीं आने लगती, लोनलीनेस की फीलिंग महसूस करते हैं, ट्रॉमा वाले इवेंट्स को बार बार विजुलाइज करते हैं, हमारी नींद में आने लगते हैं, तो ये एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है जिसके कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग रही हैं। इस लॉकडाउन के समय में नींद ना आना, अकेलेपन, लोनलीनेस महसूस करना, ये आम है, नॉर्मल है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ का फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें बहुत लंबे समय से इसकी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, बहुत लंबे समय से हमें नींद नहीं आ रही, कई दिनों से, कई हफ्तों से हम महसूस कर रहे हैं लोनलीनेस की फीलिंग, तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी से रिलेटेड हमारी क्या होती है कि जब हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी हमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फिजिकल इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, लेकिन वहीं मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि फिजिकल के साथ साथ हमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमें ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हमारी मेंटल इम्यूनिटी वीक होने लगती है, जिसके कारण हमें कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कॉजेज, कुछ कॉजेज भी हमें, इन कारणों की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा हम स्ट्रेस ले लेते हैं तब भी हमें ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, या हमें अपने ट्रैवल को लेके, अपने वर्क शेड्यूल को लेके हमें बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, चिंतन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि हम अपनों से दूर हैं, हम उनसे मिलने नहीं जा पा रहे हैं, हमारा जो फैमिली रिलेटिव है वो कहीं और है, हम कहीं और अटके हुए हैं, जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है वो इतनी ईजिली, रैपिडली नहीं है कि लोग आ जा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कारण, रोकने का कारण है कि हम कोरोना वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। हम ऑफिसेज नहीं जा पा रहे हैं, काम हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी कभी कभी हमें पुअर स्लीप हैबिट्स होने लगती हैं, और हम या तो हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं और लेट इवनिंग तक हम लेट ज़्यादा खाते हैं, नींद नहीं आती। तो ये कुछ कॉजेज हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमें ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स भी हैं, डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप एट नाइट, वेकिंग अप ड्यूरिंग द नाइट, वेकिंग अप टू अर्ली, या तो हम बहुत लेट सोते हैं या हम बहुत जल्दी उठ रहे हैं, अपनी प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, नॉट फीलिंग वेल रेस्टेड आफ्टर नाइट स्लीप, प्रॉपर नींद लेने के बाद भी हम बहुत अच्छा रेस्ट फील महसूस नहीं कर रहे हैं, डे टाइम टायर्डनेस और स्लीपिनेस, यानी कि दिन भर में हमें अपने आप में थकान महसूस होती है और ऐसा लगता है कि नींद आ रही है बट एग्जैक्टली नींद नहीं आ रही होती है, इरिटेबिलिटी होने लगती है, डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगती है, हम किसी भी चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते हैं, ऑनगोइंग वरिंग्स हमें सोते टाइम पे भी, जैसे मैंने आपको बताया कि सोते टाइम पे भी हम इस कोरोना वायरस के बारे में ही सोच रहे हैं, हमें चिंताएं चल रही है, बहुत ज़्यादा हमें डर है, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं जिन जो हमें हमारे जो बॉडी है हमें जो देखने को चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनसे कैसे हम बचें, इसे हम कैसे कोप अप करें, क्योंकि इसे कोप अप करना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और हम तभी इस वायरस से फिजिकली और मेंटली फिट और हेल्दी रहकर लड़ पाएंगे। तो कुछ सामने ही कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं, कीप योर बैक टाइम
एंड विक टाइम कंसिस्टेंट फ्रॉम डे टू डे इंक्लूडिंग वीकेंड्स। आप अपने बैड टाइम और जो अपने उठने का जो टाइम है उसको आप कंसिस्टेंट में रखिए, यानी कि डे टू डे आप उसको एक प्लान बना के रखिए, और अपने वीकेंड्स को भी प्लान करिए कि अगर संडे आ रहा है या कुछ भी, अभी तो हमारे लिए हम सभी लॉकडाउन में हैं तो मेरे सभी वीकेंड्स हैं, तो वो भी आप एक प्लान बनाइए कि कैसे हम कोई वीकेंड आता है तो उसमें कैसे कर सकते हैं। स्टे एक्टिव रेगुलरली, एक्टिविटी हेल्प प्रमोट अ गुड नाइट अ स्लीप, चेक योर मेडिकेशन टू सी इफ दे आर मे कॉन्ट्रीब्यूट टू इंसोमनिया, अवॉइड और लिमिट नैप, जितना कोशिश करें अपने नैप जो नैप्स हैं उनको अवॉइड करें, बीच बीच में ब्रेक ब्रेक लेकर आप नींद ना लें, अवॉइड और लिमिट कैफीन एंड एल्कोहल एंड डोंट यूज निकोटीन, अवॉइड लार्ज मील्स एंड बेवरेज बिफोर बेड टाइम, क्रिएट अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रिचुअल सच एज टॉकिंग वार्म बाथ रिगार्डिंग और लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इन टिप्स को फॉलो करिए, और इससे पहले भी कई सारे वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ, उन्हें आप देखिए। डेफिनेटली आप कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे, फिजिकल और मेंटल इम्यूनिटी दोनों को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। थैंक यू।